अरे मन सामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया, जिगर दुखाना चाहया। कर्जा की खातर पगड़ी मेरे पाया में धरते थे, पाया में धरते थे। मेरे कई कई नौकर नोट से मारे बोरों में भरते थे, तेरे जैसे सेठ पास में बैठन से डरते थे, बैठन से डरते थे। मेरे आदरणीय दादा भाई, हमारे गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं, एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में हो जानी चाहिए। ये छोटा बच्चा भाई अजीत, उनकी तरफ से पहले भी कई 100 रुपए और 100 रुपए देकर के फिर सम्मान बढ़ाया जा रहा है कलाकारों का। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं साथियों। दूसरी कली के माध्यम से कहने लगता है नरसिंह भगत कि जाकर के बता देना मन समल सेठ को, मैं भात भरने के लिए आऊंगा जरूर। और मुझे पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि भगवान ने हमेशा भक्तों की लाज रखी है, और अपने इस भगत की लाज रखने के लिए भी मेरे वो दीनानाथ, मेरे वो इष्ट देव श्री कृष्ण जी महाराज जरूर उपस्थित होंगे। कैसे कहते भला दूसरी कड़ी के बाद, मन सांभल में टूटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया। संग में सावल सहा बनके भांति छावेगा, बनके भांति छावेगा। अरे जो जो चीज लिखी सारी गिन गिन के पकड़ावेगा, हीरे मोती कणी मणि पटड़े पे छलकावेगा, पटड़े पे छलकावेगा। कृष्ण ने कितना का अहम घटाया, मन सामल ने टूटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया, ओ जिगर दुखाना चाहया। चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की
दुखाना चाया, जिगर दुखाना चाया। हमारे परम आदरणीय गुरु समान कलाकार भी हैं, डॉक्टर भी हैं आदरणीय है, डॉक्टर राम निवास जी 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं, परमात्मा 1000 गुना उनका सम्मान बढ़ा करके रखे। आदरणीय गर्वित दहिया जी चुड़ीना से, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चुड़ीना, उनकी तरफ से 100 रुपए देकर के फिर सम्मान बढ़ाया गया है। चुड़ीना गांव का हम तहदिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतना प्यार सम्मान आशीर्वाद हमारे कलाकारों को तन से मन से धन से दिया, हम उनका तहदिल से धन्यवाद करते हैं। और फरमाइश जो है चुड़ीना वालों की उसको भी पूरी करवाएंगे। चलिए भाई कैसे बोला, नरसी भगत ने उस नाई से तो कह दिया कि जाकर के बता देना मैं अपनी बेटी के यहां पर भात देने के लिए जरूर आऊंगा, क्योंकि मेरी लाडली हरनंदी अपने पिता पर पता नहीं किस तरह की उम्मीद लगाए बैठी होगी। लेकिन मनसामल सेठ ने जिसने तुझे यहां पर भेजा है उसका मान रखने के लिए, उसके अभिमान को हल्का करने के लिए और मेरा मान रखने के लिए मेरे दीनानाथ जरूर हाजिर होंगे। फिर अपने मन को समझाने लगे नरसी भगत कि ये संतों का जो बाणा मैंने धार रखा है, कोई अच्छी कहता है कोई बुरी कहता है, कहने तो जो भी कह रहे हैं, एक बात के द्वारा अपने मन को तसल्ली देते हुए क्या सोच रहे हैं, तीसरी गली में क्या बात निकल। अरे दुनिया हो भाई दुनिया हो क्या जानी यो 9 दिन की नौचंदी, संत महात्मा सबकी सुनते खोटी अकरी मंदी, खोटी अकरी मंदी। अरे धन के मध में अंधा हो रहा मनसा मल मेरा समधी, कह देना हाँ कह देना मेरी लाडो से ना ख्याल करे हर नंदी, ख्याल करे हर नंदी। जिसने यो जगत रचाया मन सा मन में टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया, जिगर दुखाना की तरफ से 100 रुपए हमारे कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में दिए जा रहे हैं। बाबा साहेब जिन्होंने, क्योंकि भारत मां का भी मान रखा, हम हिंदुस्तानियों का मान रखा, हर दबदे का मान रखा, बाबा साहब के सम्मान में भी एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए साथियों, क्योंकि हमारे संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी हम नमन करते हैं साथियों। चौथी कली के माध्यम से क्या बात लिखी भला, और 100 रुपए आदरणीय राम स्वरूप जी मुरादपुर से, वो 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। नरसी भगत सोचने लगे कि बात ही बातों में समय ना खर्च किया जाए, नाई को बैठाया, कहने लगे कि भैया थोड़ी देर रुक, मैं तेरे भोजन की तेरे खाने पीने की व्यवस्था करता हूं, और जो भी मुझसे बनेगा मैं तेरा मान तेरा नेक जोग देख करके तुझे यहां से भेजूंगा। नरसी भगत ने नाई को अपनी कोठी के अंदर बैठा लिया और आप चल दिए, और श्री कृष्ण जी के नाम का जाप करने लगे, माला रटने लगे कि हे दीनानाथ आज मेरी कुटी के अंदर इस नाई को जिमाने के लिए भोजन के भोजन में देने के लिए कुछ भी नहीं है, आकर के मेरी लाज बचा, आज तेरे भगत की बेइज्जती होने जा रही है अगर ये नाई यहां से भूखा चला गया, ये खाली हाथ लौट गया तो
तो फिर समझ ले कि एक भगत का भगवान के ऊपर से भरोसा हट जाएगा। चौथी कली के माध्यम से कवि ने साथी क्या लिखा बलान, देर बैठनाई के तोड़ के बथुआ लाऊं, तोड़ के बथुआ लाऊं। हाँ तेरे सामने हरी नाम का, तेरे सामने हरी नाम का ऐसा भोग लगाऊं, जो बन जागा सो दे दूंगा नेक तेरा निमटाऊं,